चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर कटनी से है जहां न्यूज 24 एमपीसीजी की खबर का बड़ा असर हुआ है। गांव में 8 दिनों से अंधकार था, बच्चों ने गुहार लगाई थी। बीते 1 सप्ताह से गांव में ट्रांसफर जल गया था ट्रांसफार्मर और यहां पर अंधेरा छा गया था। आसपास के इलाकों में बत्ती गुल हो गई थी। ग्रामीण विभाग के चक्कर काटकर परेशान हो रहे थे ग्रामीण और बच्चों ने सीएम से मदद की गुहार लगाई थी। डीमर खेड़ा मुख्यालय के ग्राम बंगवा का ये पूरा मामला है। बता दें कि 8 दिनों से जला ट्रांसफार्मर गांव में अंधकार छाया हुआ था। ट्रांसफार्मर को नहीं ठीक कराया गया, ना ही वहां पर बदलवाया गया, जिसके कारण 1 हफ्ते से बच्चे जो हैं वो अंधकार में जीने को मजबूर हो रहे थे। यहां पर ये समझना जरूरी है कि मूलभूत सुविधाओं से भी यहां पर वंचित नजर आ रहे थे बच्चे। बिजली जैसी सुविधा बच्चों को प्राप्त नहीं हो पा रही थी। ग्रामीणों सहित स्कूली बच्चे बेहाल नजर आ रहे थे। मुख्यमंत्री से समस्या के निराकरण करवाने की उन्होंने गुहार लगाई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अनूप दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, अभी क्या ट्रांसफार्मर वहां पर बदल दिया गया है? क्या अब बिजली वहां पर मिल पा रही है लोगों को, या अभी भी समस्या जो कि त्यों बनी हुई है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, डीमर खेड़ा मुख्यालय से 1 किलोमीटर दूर ये बनगवा गांव है। 8 दिनों से विद्युत ट्रांसफार्मर जला हुआ है। ग्रामीणों के सहित स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लगाया। बिल्कुल, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बच्चे भी आपके साथ क्योंकि मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, किन किन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं फिलहाल। जी, मैं आपकी कुछ बच्चों से बात करवाता हूँ। क्या समस्या है आप लोगों? हमारे स्कूल में 1 हफ्ते से लाइट नहीं है और हमें बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जिसका प्रभाव हमारी पढ़ाई में पड़ रहा है, जिसके कारण हम अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द बनवा। क्या समस्या है बताना है? हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर 1 हफ्ते से खराब है, जिसके कारण हमारी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही और हम बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए हमारा मुख्यमंत्री तथा कलेक्टर जी से निवेदन है कि हमारे यहाँ का ट्रांसफार्मर जल्द से जल्द सुधरवाएं। अभी आपने देखा कि सीधे तौर पर बच्चों ने मुख्यमंत्री और कलेक्टर से मांग की है कि हमारी समस्या का निराकरण करवाया जाए। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और स्वास्थ्य पे भी बुरा असर पड़ रहा है। देखिए, बच्चे स्कूल तक पहुंचते हैं, यहाँ पर पढ़ाई पर इसका खासा असर पड़ रहा है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। तो कैसे पढ़ते हैं बच्चे वहां पर जब लाइट ही नहीं है, लाइट ही गुल है स्कूल के अंदर? देखिए, बच्चों ने चर्चा में बताया कि स्कूल आने के बाद इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्कूल में पंखे नहीं चल पाते और मौसम भी बारिश का भले है, लेकिन यहाँ बारिश न होने के कारण उमस भरी गर्मी पड़ रही है। जी, बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि कई बच्चों की तबीयत भी खराब हो रही है, उनसे जानने की कोशिश कीजिए क्या क्या समस्याओं का सामना कर रहे हैं बच्चे। जी, मैं स्कूल के प्राचार्य जी से बात कर रही हूँ। क्या समस्या है? ट्रांसफार्मर यहाँ से 1 हफ्ते से विद्यालय के पास जो लगा है बनंगमा गांव का, ये बिल्कुल जल चुका है और लाइट नहीं है स्कूल में, जिसके कारण छोटे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मेरा अत्यंत निवेदन है मुख्यमंत्री जी से और कलेक्टर महोदय जी से, बच्चों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, उपस्थिति भी थोड़ा कम हो रही है बच्चों की बीमारी के कारण, और डर के कारण आती भी नहीं है कि विद्यालय में लाइट नहीं है, गर्मी पड़ रही है तो अनुपस्थिति भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो निवेदन है कि कृपया जल्दी से जल्दी समस्या का निराकरण कराएं। प्राचार्य जी ने जैसा बताया साफ तौर पे कि स्कूल बच्चे आना बंद कर रहे हैं, कुछ बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो चुका है, बच्चों में दहशत भी है। ठीक है, इस समस्या के निराकरण की मांग को लेकर गुहार लगाते हुए बच्चे कलेक्टर के पास भी पहुंचे थे, सीएम को ज्ञापन देने की बात भी कही गई थी। क्या अभी तक किसी भी अधिकारी ने कोई संज्ञान लिया है या बातचीत करने की कोशिश की है, आश्वासन दिया है? देखिए, कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन सौंपने की इनकी बच्चों की तैयारी है। विद्युत विभाग के डी वीके सिंह ने आज जानकारी बताई है कि व्यवस्था बनाई जाएगी। जी, क्या किसी भी जनप्रतिनिधि ने सुध ली है इस पूरे विषय पर अभी तक? स्थानीय तौर पर जनपद सदस्य श्रीकांत पटेल के द्वारा विभाग के अधिकारियों से लगातार चर्चा की गई है, लेकिन विभाग के द्वारा समस्या का निराकरण नहीं करवाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो समस्या ज्यों की त्यों बनी है, अंधकार में ही बच्चे पढ़ने को मजबूर हो रहे हैं, कई बच्चों की तबीयत खराब हो रही है और साथ ही मौसमी बीमारियों से भी घिरते बच्चे नजर आ रहे हैं। लाइट ना होने के कारण
यहाँ पर बच्चे गर्मी में ही पढ़ने को मजबूर है। उमस यहाँ पर बनी हुई है। गांव में 8 दिनों से अंधकार है क्योंकि ट्रांसफार्मर में आग लग गई थी। और सवाल ये उठता है, 8 दिन बीत गए अभी तक ट्रांसफार्मर ही नहीं बदला गया है। आसपास के इलाकों से बिजली गुल है, बिना बिजली के ही लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बीआरसी डिमरखेड़ा से प्रेम कोरी जी जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, समस्या 8 दिनों से बरकरार है लेकिन समस्या का हल कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्यों? तो संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे और इसी सवाल के साथ बरकरार रहेंगे कि आखिर इस समस्या का हल कब तक हो पाएगा, बच्चों की राह कब तक आसान हो पाएगी, कब तक ग्रामीणों को बिजली मिल पाएगी। 8 दिनों से बिना बिजली के जीवन यापन कर रहे हैं यहाँ पर ग्रामीण। गांव में 8 दिनों से बिजली गुल है। अब जरा आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, जो लोग शहर में रह रहे हैं, अगर 8 दिनों तक पानी ही ना आए या लाइट ही ना आए, पंखा ही ना चले, तो कैसा महसूस होगा। और इन्हीं तमाम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं यहाँ के ग्रामीण, क्योंकि 8 दिन बीत चुके हैं, तमाम आला अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं ग्रामीण, लेकिन समस्या का हल यहाँ पर नहीं हो रहा है। अंधकार में जीने को मजबूर है यहाँ के लोग। डीमर खेड़ा का ये पूरा मामला, और सबसे बड़ा सवाल तो ये बना हुआ है कि बच्चे इन्हीं हालातों में स्कूल जा रहे हैं और स्कूल तक में लाइट नहीं है। और एक बार फिर से हमारे साथ बीआरसी डिमरखेड़ा से प्रेम कोरी जी जुड़ चुके हैं। आप सीधा सवाल उनसे एक बार फिर से जानेंगे कि सर, 8 दिन हो गए, लाइट गुल है, अभी तक कोई भी समस्या का हल नहीं निकालता हुआ नजर आ रहा है, इतनी देरी क्यों आखिर? हेलो सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जी जी। 8 दिन पहले ट्रांसफार्मर में आग लगी, बिजली गुल हो गई, 8 दिन से ग्रामीण इसी मजबूरी में जीने को मजबूर हैं, बच्चे स्कूल इसी तरह जा रहे हैं, 8 दिन से क्यों कोई सुध नहीं ले रहा है, क्यों यहाँ पर ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया है? जी 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 मैडम, ऐसे ही हालात है यहाँ पर, अभी तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं है, तो समस्याएं तो है बहुत सारी। इन समस्याओं की हल्की मांग कर रहे हैं बच्चे, छोटे छोटे गुहार लगा रहे हैं। सर, समस्या के हल जानना चाह रहे हैं आपसे जवाब में, कब तक होगा इसका हल? मैं बताऊंगा, मुझसे मैडम ये तो क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ पर कोई भी संतुष्ट जवाब मिलता हुआ नजर नहीं आया है। बीआरसी द्वारा भी